वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल वंस अगेन गाइज। सो हिमालयन को लेके एक क्वेश्चन बार बार, एक इशू बार बार आ रहा है। सो वो है जी कि हिमालयन का जो वाइजर है ये 80 के बाद, 80 की स्पीड पे जाने के बाद बहुत वाइब्रेट करता है। सो गाइज, इसका एक सॉल्यूशन जो मैंने अपनी बाइक में किया हुआ है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आई होप आप सब लोगों को वो पसंद आए। सबसे पहली चीज़ तो आपने क्या करनी है, इस गैप को मेंटेन करके आपने ये दोनों नट बोल्ट अच्छे से टाइट करने हैं, ठीक है। उसके बाद जिन लोगों ने जीपीएस माउंट कर रखा है, ठीक है, उन लोगों के लिए क्या ऑप्शन है, ये आपका माउंट आता है, जीपीएस का एक पाउच आता है यहाँ लगाने के लिए, तो ये ऑनलाइन आप खरीद सकते हैं। मेरे ख्याल 250 या 300 रुपये का आता है, तो उसके साथ है ना ये सिस्टम साथ में आता है। मैंने जैसे ये एक्सटेंडर भी लगा रखा है, तो इसके साथ इसके यहाँ मैंने इसको यहाँ सपोर्ट दिया हुआ है, और ये वाइब्रेट ना करे तो इसके बीच में यहाँ रबड़ है, ठीक है, ताकि आपस में ये वाइब्रेट ना करे। इस जीपीएस माउंट को इस पर टाइट करके और मैंने इसको सपोर्ट किया हुआ है और इसको आगे की तरफ धक्का दिया हुआ है, तो अगर आप देखेंगे कि मेरा जो वाइजर है वो बिल्कुल नहीं हिल रहा है, ठीक है। सो ये बिल्कुल फिक्स रहता है, 100-120 पे भी जब ये चलता है तो इसमें कोई समस्या नहीं है। जिन लोगों के पास वाइजर नहीं है, मतलब ये चीज़ें अगर वो नहीं खरीद सकते या उन्होंने एक्सटेंडर नहीं लगा रखा, सो उन लोगों के लिए सबसे अच्छा सॉल्यूशन है ये स्माइली, ठीक है। आपने क्या करना है, ये स्माइली ऐसे प्रेस करेंगे एंड आपका जो मीटर है इसके पीछे डाल देंगे और इसको ऐसे स्माइल ऐसे करके ऐसे आप इसको डाल देंगे, ठीक है। सो ये आपका स्माइल भी करता रहेगा एंड आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, आपका जो वाइजर है वो वाइब्रेट नहीं करेगा। सो ये जो सॉल्यूशन है इसको मैंने दोनों को अपनी बाइक में यूज़ करके देखा है, सो कोई समस्या नहीं हुई है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फीडबैक है, कोई वाइब्रेशन आपको वाइजर में महसूस नहीं होगी। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो शेयर करना ना भूले। थैंक यू गाइज़।